हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कार्डर डॉग्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास आई है रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650, जो कि इस पर हमने सेरामिक कोटिंग किया है। इसका एक छोटा सा रिव्यू दूंगा। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है क्योंकि बारिश में आई है, और मैं चाहता था कि इस पर अपने यूट्यूब चैनल पर एक रिव्यू दूँ गाड़ी के बारे में। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, गाड़ी का ओवरऑल कुछ लुक ऐसा है। गाड़ी एक ये क्रूजर बाइक है, और गाड़ी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और चलाने में मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। मैं आपको सीटिंग इसका दिखा सकता हूँ कैसी लग रही है। आप देख सकते हैं चलाने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मैं आपको बता दूं गाड़ी का ओवरऑल इसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या दिए हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर दिया है। सो ये जो है इग्निशन ऑन के लिए है, एंड मिरर जो आप देखेंगे फुल क्रोम के मिरर्स है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे और प्रीमियम लग रहे हैं। और आपको की का डिज़ाइन दिखा दूँ तो की आप देख सकते हैं की कुछ ऐसा है। एंड फ्यूल टैंक का कैप ओपन करके दिखाता हूँ मैं, अंदर कुछ ऐसा डिज़ाइन दिया है आप देख सकते हैं। देन आपको प्रेस करना है, कैप बंद हो जाएगा, की अपने घूम जाएगी। और की मैं अंदर डालता हूँ, और ये जो स्विच है ये हज़ार्ड लाइट्स के लिए, मैं फ्रंट से आपको दिखाता हूँ। यस, ये जो हेलोजन है, और टैंक पर रॉयल एनफील्ड का आप टैंक पर देख सकते हो, टैंक पर रॉयल एनफील्ड का नाम दिया हुआ है, और एक यूनिक सा विंग्स बनाया हुआ है, और 15.7 लीटर की टैंक है। साइड पैनल्स पर देखेंगे आप सुपर मीटियोर 650 का स्टिकर है। 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो देखने को मिलेगा। एंड ये साइड में आपको मैं दिखा दूँ तो ये साइड मडगार्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। ड्यूल टोन में आपको देखने को मिल जाएगा। 43mm के अपसाइड डाउन के टेलीस्कोप सस्पेंशन मिल जाते हैं। ड्यूल चैनल ABS मिलेगा। 320mm के डिस्क मिल जाते हैं। 19 इंच के आपको ये जो अलॉयज़ है 19 इंच के, आप देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन भी यहाँ पर थोड़ा सा मोटा और यहाँ पर पतला दे दिया है। और आपको टायर बता दो तो C8 के टायर मिलते हैं। और फ्रंट प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको राउंड हेडलाइट जो कि सेंटर में रॉयल एनफील्ड के ब्रांडिंग देखने मिलेगा, और सिल्वर मैट में फिनिश ऊपर उसके हेडलाइट के ऊपर आप देख सकते हैं। एंड अभी लाइट तो ऑन नहीं है, गाड़ी गियर में है तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑयल प्लस एयर कूल्ड वाला, और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। एंड ये हाँ, इसकी क्वालिटी बहुत सही है प्रोडक्शन के लिए। और ये जो बेंड पाइप यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ तक लग गया है एग्जॉस्ट अलग, और दोनों साइड इसका एग्जॉस्ट दिया है क्रोम, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर भी एज यूजुअल सेम वैसे रॉयल एनफील्ड। और यहाँ पर स्विच देखेंगे पास का हाई बीम लो बीम का है, और ये अपने इसके नीचे आप देखेंगे तो इंडिकेटर्स, और उसके नीचे आपको हॉर्न का मिल जाएगा। और लीवर देखेंगे आप, लीवर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा यूज़ किया है रॉयल एनफील्ड वाले ने। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सस्पेंशन के इसमें ये जो प्रोटेक्शन दिया है, जो यहाँ पर मट्टी ना जाए और मट्टी लगे तो ये साइड से उठ के चले जाए। और यहाँ पर आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाएगा, एंड आप देख सकते हैं सेम रॉयल एनफील्ड का जैसा है एज इट इज़ वैसा विंग्स यहाँ पर भी बना हुआ है। और यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड का वापस से नाम देखने को मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये जो आपको देखने मिल रहा है सेम सुपर मीटियोर 650 का स्टिकर, यहाँ पर जो फिल्टर यहाँ पर उसका दिया गया है। और ये एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, और ये जो रबर यूज़ किया है फुटरेस्ट का काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। स्प्लिट सीट आगे की अच्छी है कुशन के साथ है, और पीछे की इतनी कम्फर्टेबल मुझे नहीं लगी। और बैक रश दिया है वो भी अच्छा है पीछे का। और आप देख सकते हैं ये जो टेल लाइट है LED है, और बाकी के हेलोजन्स दिए हैं दोनों भी, और साइड से आप देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। रियर में मिलता है आपको ट्विन प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन, एंड बायब्री के कैलिपर्स मिलेंगे आपको, और आपको देखने को मिलेगा 300mm के डिस्क दिया गया है ड्यूअल चैनल ABS के साथ में। अलॉय व्हील्स वैसे ही सेम है जैसे है, और C8 का टायर दिया गया है इसमें। और आपको बता दें सेम ऐसे ही रबर इसका फुटरेस्ट का, ये भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हैंडल मिलेगा जो कि बहुत ही यूज़फुल है स्टैंड और बाकी काम के लिए यहाँ पर। और आपको देखने मिलेगा सेम चेसिस के जो कलर है बहुत ही मस्त है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूल इंजेक्टर का जो कि इंजन से कनेक्ट है, एंड सेम
आप देख सकते हैं ये गार्ड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा प्रोटेक्शन के लिए, और ओवरऑल गाड़ी का पूरा आप देख सकते हैं। एंड ये जो है सो इस पे मैं अपना पैर रख के आपको दिखा देता हूँ गाइस, तो देख सकते हैं आप ये कंफर्टेबल एकदम, मतलब राइड करने में इतना कंफर्टेबल है, आगे पैर रख के एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा लुक है गाड़ी का। इस पे हमने सेरामिक कोटिंग किया था, तो मैंने सोचा कि आपको एक इस पे एक छोटा सा रिव्यू दे दूँ कि क्या क्या फीचर्स है क्या क्या नहीं है। और आप देख सकते हैं गाड़ी प्रोटेक्शन भी हो गई है और ग्लॉसनेस भी बढ़ गई है। ओवरऑल कुछ गाड़ी का लुक ऐसा है, आप ये साइड से भी एक देख सकते हैं। गाड़ी का रोड प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया है, मतलब एक गाड़ी ये खड़ी रहती है तो बहुत से लोग का ऐसा लुक जाता ही है इस पर। और मैं आपको एक छोटा सा इस पर राउंड मार के दिखाता हूँ कि गाड़ी कैसी लगती है। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और मैं एक छोटा सा राउंड मार के आपको ये दिखाऊंगा कि मतलब आप चलाएंगे तो गाड़ी कैसी लगती है। तो मैं एक छोटा सा अपने एक यहाँ पर एक राउंड मार के आपको दिखाता हूँ। गाड़ी मेरे को अच्छी लगी, बट पीछे का जो है थोड़ा मेरे को बैठने के लिए कंफर्टेबल उतना नहीं लगा, पीछे की सीट भी छोटी है इसकी। बाकी आप देख सकते हैं गाड़ी लुक में तो बहुत ही बढ़िया है ये। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही कार्स और बाइक के इंफॉर्मेशन हम गाड़ी के रिलेटेड वीडियोस आपके तलक शेयर करेंगे, और जो आपके फ्रेंड्स या फैमिली में गाड़ी ले रहा है रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटर और लेने वाला है उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड बी सेफ।